प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों। बड़ा इवेंट, बड़ा जोशो खरोश, मुल भर में हर कोई पीएसएल के रंगों में रंग गया। शहरियों का शौक और जज्बा आसमान को छूने लगा। शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीम के गुनगाने लगे। क्रिकेट मतवालों ने नेशनल स्टेडियम में रंग जमा दिया। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से मोहब्बत है, दुनिया को दिखा दिया। It's looking positive. Certainly we had the World 11 and we had the PSL being played here. And you know, again, if every time there's a tour, it needs to be reassessed. But you know what I've seen here for the PSL is impressive. ICC consultant ki National Stadium Ahmed security intizamat ka jaiza liya. Sector Commander Rangers Brigadier Shafiq ki briefing par International Cricket Council ka izhar-e-itminan. Federation of International Cricketers bhi hifazati ikdamat se mutmain. चीफ एग्जीक्यूटिव टॉनी आयरिश पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल वापसी के ख्वाहिशमंद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज, आज 40 से ज्यादा अखबारात का पहला सफा खाली होगा। फैसला कश्मीर एडिटर्स गिल्ड और कश्मीर एडिटर्स फोरम ने किया। अखबारात के पहले सफे पर खबर छापी जाएगी, ना कोई तस्वीर होगी। अखबारात में ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर उज़्मा, कश्मीर मॉनिटर और दीगर शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारत के ऊंचे हथकंडे बढ़ गए। पहले जमात इस्लामी को कलदम करार दिया, अब कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर रख लिया। मीर बायज उमर फारूक को आर्टिकल 121 के तहत भारत के खिलाफ जंग का नोटिस जारी कर दिया। सैयद अली गिलानी के बेटे नसीम अली गिलानी को भी आर्टिकल 121 के तहत नोटिस जारी। हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ओदा इको एक विशा है, वो 2019 इलेक्शन जीतने वास्ते वो लड़ाई दे वाले पासे तुरया होया है। लंदन में सिखों और कश्मीरियों का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। भारत के कई शहरी भी पहुंच गए। सिखों को इश्तियाल दिलाने पर इलाका मैदान जंग बन गया। सिखों और कश्मीरियों ने भारतीय मुजाहिरीन को भगा दिया। मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाए, भारतीय झंडा नजरे आतिश किया। पुलिस ने चंद सिख मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उधर फ्रैंकफर्ट में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। News की कोशिशें रंग ले आए। नारोवाल में गलती से सरहद पार करने वाले 70 साला बुजुर्ग को भारतीय हुकाम ने रेंजर्स के हवाले कर दिया। मोहम्मद अशरफ के अहले खाना खुशी से निहाल, हुकूमत पाकिस्तान और 92 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। भारतीयों पर जंगी जनून तारी। खेल के बाद खवातीन के मलबूसात पर भी मैदान जंग की नक्श निगारी। गुजरात ने कंट्रोल लाइन और मिग तैयारे की तस्वीर पर मबनी साड़ियों की तैयारियां। साड़ियों पर भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर भी प्रिंट की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरानी सदर हसन रूहानी से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए ईरान के असूली मौकफ को सराहा। 27 ईरानी सिपाहियों के कत्ल पर इजहार अफसोस किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के जल्द दौरा ईरान पर इत्तफाक। नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क में मौजूद हर सहूलत फराहम की जाए। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब को हिदायत। उधर नवाज शरीफ के लिए जेल में कार्डियक मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस पहुंचा दी गई। डॉक्टर समेत अमला 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी पर मामूद। इमरजेंसी की सूरत में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुँचाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर से वापस इस्लामाबाद चले गए, अहलिया बुशरा बीवी भी उनके साथ थी। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कई अहम इजलास हुए। बड़े अस्पतालों में शेल्टर होम्स बनाने और सियाहत के फरोग के लिए इकदाम की मंजूरी दी। पंजाब फूड अथॉरिटी के इकदाम और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर ब्रीफिंग, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला ने मुलाकातें भी की। बैरून मुल्क जायदादों के इंदराज का तरीकाकार जल्द लाएंगे, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपनी जायदाद रजिस्टर कराने की सहूलत होगी, इस निजाम से ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों को तहफ्फुज़ मिलेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जान बहक, मकतूल हबीबुल्ला दो एहलकारों के हमरा गश्त पर था। एसएसपी वेस्ट की वाकये की तस्दीक। कराची में मारूफ मॉडल रुबाब हानी की पुरअसरार मौत, मामले की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस के मुताबिक रुबाब की मौत अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई। नर्स समेत दो अफराद गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम उमर ताहाल फरार। नर्स और साथी ने मरकजी मुलजिम से मिलकर लाश कब्रिस्तान में फेंकी। थोबा टेक सिंह में जाँ बहक होने वाली माँ और तीनों बेटियां नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक। 50 साल नसीम बीबी, 15 साल रजिया, 10 साल की खदीजा और 8 साल आयशा शामिल। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों की मौत जहरीला केमिकल पीने की वजह से हुई। रजिया की गुज़श्ता रोज मंगनी टूट गई थी, जिस पर झगड़ा हुआ और चारों ने जहर पी लिया। नांगा पर्वत पर लापता होने वाले दोनों गैर मुल्की कोपेमा जान की बाजी हार गए। इतालवी सफीर की तस्दीक, नाडी डेनियल और टॉम ब्राड की तलाश रोक दी गई। दोनों कोपेमा 19,356 फुट की बुलंदी पर बर्फानी तोदे तले दब गए। नाज़रीन बुलेटिन के आगाज पे आपको बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेऑफ मरहले के लिए कर लिया क्वालिफाई। लाहौर कलंदर्स को मैच में धूल चटाई, यूनाइटेड ने 239 रन का पहाड़ जैसा हदफ लिया। कलंदर्स की टीम 189 रन बना पाई। सुहेल अख्तर टीम को फतह तो ना दिला सके, लेकिन 75 रन बनाकर हिम्मत दिखाई। जलकोच ने नाकाबले शिकस्त 117 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। वहीम अशरफ ने भी 6 विकेट चुराकर मेला रोक लिया। जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर फहीम अशरफ कहते हैं कि कोशिश होगी टीम के लिए परफॉर्मेंस बरकरार रखें। टीम के लिए अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। फहीम अशरफ ने मैच में 6 विकेट हासिल किए। कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूं, उसके बाद मेरी खुद की परफॉर्मेंस आती है। अभी मैं हाईएस्ट विकेट टेकर आ गया, तो अभी कोशिश करूंगा कि मैं इसी हाईएस्ट विकेट टेकर को लास्ट ईयर की तरह मेंटेन रखूं। टारगेट यही था कि मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट दे सकूं, जितना अच्छा अपनी टीम के लिए करूं, अपनी टीम को क्वालिफाई करवाऊं प्लेऑफ के लिए। कोशिश थी मेरी अच्छा परफॉर्म करने की, तो अल्लाह पाक ने परफॉर्मेंस। और इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त खाने वाली टीम लाहौर कलंदर्स के मैनेजर और खिलाड़ी सुहेल अख्तर की वजाहतें भी सामने आ गई। समीम राणा कहते हैं वे प्लेयर्स जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ। मोहम्मद हफीज की इंजरी से हमें धचका लगा, गेम के लिए बॉल और बैट का बैलेंस जरूरी है। सुहेल अख्तर बोले, मेरी कोशिश होती है हमेशा अच्छा खेलूं, बॉलिंग ऐसी हो तो हर कप्तान के लिए मुश्किल हो जाती है। जो हमारे मेन प्लेयर थे और कैप्टन, फिर ए बी कैप्टन बने, वो भी इंजर्ड हो गए, तो उससे टीम का जो कम्बिनेशन होता है वो बनाने में बहुत मसाइल आ जाते हैं। तो उन दोनों पे हमारी पूरी टीम बन रही थी, तो उस वजह से तो हमें प्रॉब्लम हुआ है। जहाँ हमें टास्क जीतना चाहिए वहाँ हम आ गए, और जहाँ हमें हारना चाहिए था हम जीत गए। लेकिन कोई नहीं, ये
दिन का हिस्सा है और जहाँ तक कैच ड्रॉप करने की बात है तो कोई भी फील्डर की यही कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूँ।